हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तकनीकी समान। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा प्राइवेसी। हम बात करेंगे कैसे स्मार्टफोन कंपनीज बिना हमसे पूछे हमारा डेटा चाइनीज सर्वर्स को दे देती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद ही आया। जब मैं अपनी वीडियो के स्टैट्स चेक कर रहा था तो मैंने बहुत ही स्ट्रेंज चीज नोटिस करी। मैंने नोटिस किया कि Redmi फोन की सिक्योरिटी ऐप से मेरी वीडियो पर 2% ट्रैफिक आया है। दोस्तों, इससे एक बात पता चलती है कि Redmi की सिस्टम सिक्योरिटी ऐप बैकग्राउंड में ही इंटरनेट को एक्सेस करती है बिना आपसे पूछे। ये एक बहुत ही कंसर्निंग इश्यू है कि एक सिस्टम सिक्योरिटी ऐप का यूट्यूब से क्या ताल्लुक। अगर आप इस सिक्योरिटी ऐप की सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन में क्लीन मास्टर लिखा है। इसका मतलब ये ऐप क्लीन मास्टर के थ्रू रन करती है। क्लीन मास्टर चीता मोबाइल कंपनी की ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर ने भी बैन कर रखी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, प्ले स्टोर में अगर आप सिस्टम सिक्योरिटी ऐप सर्च मारेंगे, अरे ये क्या हुआ, दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। Redmi की सिस्टम सिक्योरिटी ऐप प्ले स्टोर से हट चुकी है। क्या Redmi को पता है वो एक ऐसी ऐप यूज कर रहा है जो कि प्ले स्टोर पे भी नहीं है? क्या आप Redmi के यूजर्स को इस ऐप से छुटकारा मिलेगा? क्या Redmi जवाब देगा? आइए जानिए। तो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, मैंने रिसेंटली ये ऐप इंस्टॉल करा था बट मेरे फोन के बहुत से फीचर्स चलना बंद हो गए थे, जैसे कि बैटरी सेवर, ऐप लॉक और डेटा यूजेस। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके बेसिक फीचर्स भी काम नहीं करते, जो कि एक एंड्रॉइड फोन में बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐप सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। इस ऐप ने दुनिया भर की परमिशन दे रखी है जिसका इस फोन को कुछ काम भी नहीं है। जब आप एक Redmi का फोन लेते हैं तो स्टार्टिंग में एक परमिशन मांगता है और उसी के बहाने ये सारी परमिशन को अलाउ कर देता है और उसके बाद ये डिनाई भी नहीं होती। ये सब के बाद भी Redmi के फोन में आपको ये सारी ऐप्स मिल जाएंगी। ऐसे सिस्टम ऐप्स को रिमूव करना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक अपडेट रोल आउट करना है और ये सारी ऐप्स जा सकती हैं। दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है पर आज तक Redmi ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि वो इस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही शेमफुल बात है Redmi जैसी कंपनी के लिए। दोस्तों, इन कंपनीज ने यूजर्स के पर्सनल डेटा को एक मजाक की तरह समझा है। इनको क्या ही पता है। और दिक्कत की बात तो यह है कि इंडिया में कोई ढंग का प्राइवेसी लॉबी नहीं है। दोस्तों, मेरे तो एक बात समझ नहीं आती, 2020 में भी एंड्रॉइड जब इतना ऑप्टिमाइज हो चुका है तो इन क्लीनर ऐप्स की फोन में क्या जरूरत है? अगर किसी को चाहिए होगी तो खुद ही डाउनलोड कर लेगा। गूगल पिक्सल भी एंड्रॉइड ही यूज करता है पर उनमें ऐसी क्लीनिंग ऐप कोई नहीं होती। दोस्तों, इस Redmi की सिक्योरिटी ऐप में एक एंटीवायरस फीचर भी है जो कि मुझे समझ नहीं आता क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो एंड्रॉइड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब आपके फोन में कभी भी वायरस नहीं घुस सकता। लिनक्स एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है, तो अगर आपके फोन में एक एंटीवायरस है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो सिर्फ आपकी स्पेस ले रहा है। दोस्तों, डाटा प्राइवेसी की बात तो सभी करते हैं पर इन सब के रियल इश्यूज तो बहुत कम लोगों को ही पता है। एक नॉर्मल कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता कि उसका डाटा कब और कहां चोरी हो रहा है। तो दोस्तों, एज ए एंड्रॉइड यूजर मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, अपने आपको डाटा प्राइवेसी लॉ से और अवेयर करिए। जब तक Redmi और Poco इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करता तब तक उनके नए फोन्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पुराने फोन में ऑलरेडी ऐप्स हैं और आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपको ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।